भाई आपको भी करनी चाहिए मॉर्निंग रन, ठीक है? I'm lit. गाना बनकर कॉपीराइट लग जाएगा। कॉपीराइट टी सीरीज मारेगी। यही है वो बंदा। ये घर से आया, अपनी चप्पल ले ले और इसने अपने भाई को मारा। भाई को तो अलग हाईलाइट है। वैलेंटाइन वीक में कोई ऐसे करते ही नहीं। अबे गाना बंद करो, कोई कॉपीराइट लग जाएगा। सर ये म्यूट नहीं होता। अबे बंद कर। दो भाइयों की चप्पल वॉर करवाई मैंने। फोटो खींचो तो उस बात। गाइस और ये है वैलेंटाइन्स वीक और मेरे लौंडे कर रहे हैं चिल, मतलब दोस्त हैं इसलिए हम लौंडे बोल देते हैं यार। ये थोड़ा यहाँ की भाषा ने मुझे, ये है हमारा बुजुर्ग बुड्ढा लौंडा और ये सिंगल है फिलहाल। आप भी सिंगल ही चल रहे हो? लेकिन सिंगल खुश हूँ भाई। खुश नहीं है, तेरी शक्ल से दिखता है। रिंकल्स आ गए, जिस जवानी में पिंपल आते हैं इसे वहाँ रिंकल्स आ रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या शायरी है मेरी। कुछ कहना चाहते हो? चप्पल वापस कर दो। सीरियस है, इस वैलेंटाइन वीक पे तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से बोर्ड्स है। ये तो बेचारा बोर्ड्स का मारा है। और ये सेम गली सेम। और तू क्या कर रहे है भाई? का वैलेंटाइन तो सेट है। ओ भाई वो वे भाई और एक गजब। इस प्रीटी को इंप्रेस करने के लिए उस टाइप के स्टंट्स करने पड़ते हैं, समझे? ऐसे ही नहीं मिल जाती लड़कियां भाई। उस बच्चे की नकल मत कर, तू हड्डियां तोड़ेगा अपनी। वो लेजेंड है छोटू, इन्हें सिखाओ कैसे करते हैं ये ट्रिक। और अब इसकी टूटने वाली है। कौन है ये? My name is मोहम्मद इशाक। और ये बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। कौन बोलता है हिंदू और मुस्लिम लड़ते हैं? देख हम भाई हैं और मैं रेसिस्ट भी नहीं हूँ। वैलेंटाइन के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? मेरी अगर मेरी कोई सेटिंग वेटिंग होती तो मैं कुछ कहता। अरे है तो इम्पोर्टेंट बात। अरे इसकी है तो इसकी है। कैमरे पे झूठ बोल रहे? नहीं भाई मैं सच्ची बोल रहा हूँ। ये मेरा सब्सक्राइबर है। ये बहुत क्रांतिकारी होना है। अरे बहुत बकचोदा इंसान है। अरे पंडित जी क्यों इतना बोल रहे हो? मेरे को सीन चाहिए था, मेरे को उसमें अपनी आवाज चाहिए थी। अब मैं उसे वॉइस ओवर के साथ फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे व्यूअर्स। ये देखो एडिट कर रहा था फ्रंट कैमरा ऑन करके, फिर से रिकॉर्डिंग की आपको बताने के लिए। प्लीज पंडित जी आगे से थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपने इमोशंस पे। बकचोदा सब्सक्राइबर मिला मुझे। अरे हटो यार, उससे पूछने दे भाई मुझे। मैं नहीं मानता ये वैलेंटाइन। क्या मानता है फिर बता। कुछ नहीं, कल तो चॉकलेट लेके घूम रहे थे, मिल जाए। कोई मिली नहीं तो खुद ही लगा ली। अरे इससे पूछ, इस पे बहुत ऑफर आए थे यार। वो तो दिखता है ऑफर वाला मटेरियल है वो। ये इंटरनेट ट्रेंड बनने वाला है जल्दी भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। टिकटॉक पे ऐसे ही चैलेंज निकालो, कुछ तो मेहनत करे टिकटॉक वाले। तो हम आ चुके हैं अपने, मतलब अपने नहीं है, कोई पार्क है, मैं नाम नहीं लूंगा। और हमने इस पार्क का दिया किराया, तो ये किराया वसूल करने के लिए मुझे यहाँ चाहिए लड़कियाँ जो कि मेरे को दिख गई हैं, कहीं दूर हैं, मैं ले चलूंगा। लेकिन मैं क्यों आ रहा हूँ बाहर? मैं आया हूँ इंटरव्यू वगैरह करने के लिए, मैं पूछने के लिए कि क्या वैलेंटाइन के बारे में उनका क्या सोचना है क्या नहीं। तो चलो चलते हैं, किराया दिया पार्क का वो भी तो वसूलना है, तो चलो। तो यार नहीं हो पाया वहाँ पे। उन लड़कियों के साथ ना एक लड़का था, तो वो काफ़ी एग्रेसिव सा था। उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं। मैंने बोला यार नहीं, नॉर्मल है, कुछ नहीं, बस दो तीन सवाल करूँ। ना बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता ना यार, मैं नहीं लेके जा रहा तेरी गर्लफ्रेंड भाई। क्यों? थोड़ी सी बात ही तो करनी थी, बस दो सवाल पूछने थे। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे ज़िंदगी में, और मौके आएंगे। कोई लड़की अकेली भी आई होगी, सब अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ नहीं आती। और बॉयफ्रेंड है तो यार तू इतना इनसिक्योर क्यों हो रहा है भाई?
इतना इनसिक्योर है कि मेरे को बात नहीं करने दे रहा, क्यों? तो यार मैंने बहुत ट्राई किया और भी दो तीन जगह गया लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि हर लड़की लड़के के साथ ही आई है और लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन लड़का अलाउ नहीं करता, ठीक है? तो लड़कियां तो शायद बात करना चाहती हैं, लेकिन 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 आज किस डे है? मेरे पीछा कैमरामैन बोल रहा है, ये देखो कैमरामैन नहीं एक्चुअली, ये मेरा दोस्त है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है। तो मैंने सोचा यार छोड़ो, तो भैया आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ? लड़कियां तो शर्मा के बात नहीं कर रही, मतलब लड़कियों का पता नहीं, उनका बॉयफ्रेंड बात नहीं करने दे रहा। पूछ सकता हूँ, जान सकता हूँ कि क्या ये वैलेंटाइन डे के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ भी, मेरे को कंटेंट चाहिए, बस दिक्कत यहाँ पे है कंटेंट आज मिल नहीं रहा था लड़कियों से, तो मैंने सोचा है इन लोगों से लेते हैं। भैया आप कुछ भी कह दीजिए, वैलेंटाइन डे बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, लड़की के साथ शादी करना चाहिए उसी के लिए होता है वैलेंटाइन डे, बट आजकल क्या है कि अलग कोई भी हो बस वैलेंटाइन डे दे आपने, बस कपलों के लिए होता है बेस्ट, कपल्स के लिए बेस्ट होता है ऐसा इनका मानना है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैरिड के लिए भी और अनमैरिड के लिए भी हो सकता है वैलेंटाइन डे, जरूरी थोड़ी नहीं है मैरिड अनमैरिड के लिए भी कपल होता है। जरूरी थोड़ी ना है मैरिड अनमैरिड के लिए भी कपल होता है। आप लोग आना चाहते कैमरे में? कोई दिक्कत, हमारे वो वाले भैया ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये भैया ज्यादा एक्सपीरियंस है, चलो उधर चलते हैं। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? तो भैया क्या कहना चाहते हैं ये वैलेंटाइन डे, क्या मतलब इसके बारे में कुछ भी कह दीजिए मेरे को। यू सी आप बोलेंगे भाई, जिधर दिखा भाई, नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, का लोगो तो दिखा दे, नहीं 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 नहीं। ओके भैया कुछ कहेंगे? अरे भैया कहाँ जा रहे भैया, गलत बात है, यहाँ लड़कियां ऐसे कर रही थी वो तो चलते, आपका क्या कारण है? आप ऐसे मत भागिए भाई, वीडियो बना भेजेंगे ऊपर। अरे कहीं नहीं, 50 व्यूज आते हैं मुश्किल से मेरी वीडियो, वो हमारी उम्र के बच्चों को क्या है, आप लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। आजकल के बच्चे बहुत भड़क गए हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा पेलते रहते हैं, आपकी उम्र के हमें समझाएंगे तो हमें कुछ शिक्षा ही मिलेगी। तो बात आ लो जब ही अच्छा लगेगा। नहीं नहीं दोनों के लिए, मैरिड अनमैरिड के लिए दोनों के लिए वैलेंटाइन डे सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट कपल। कपिल्स, ओए कपिल्स तेरी बात हो रही, कपिल्स कहना चाहते हैं लेकिन टंग ट्विस्टर सारा है। मेरा दोस्त कहाँ आ रहे? ब्रदर आ रहा है ना, लड़की लेके तो नहीं आ रहा ना, मुझे लड़की वालों से नफरत हो गई अब तो, ये दोस्त आ गए हैं मेरे। हेलो ब्रो, यो। लेकिन ये लड़की के साथ नहीं आया, इसके साथ आया। तो तुम अच्छे लोग हो, जितने भी आज मुझे लड़की के साथ दिख रहे हैं सब, तुम भाड़ में जाओ बे। बंदर तू क्या सोचते है वैलेंटाइन के बारे में? रुको ये अभी रिप्लाई तो नहीं करेगा, इसलिए मैं इसी की आवाज में आपको ना बताता हूँ। बंदरिया पटाएंगे, केले चुराएंगे, खुजली मचाएंगे और क्या। हेलो मैम, आप बायो की टीचर हो या स्टूडेंट? मैं तो पहले स्टूडेंट थी फिर मैं टीचर बन गई, या उसको उल्टा हुआ मेरे को नहीं पता, पता नहीं। चल 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 क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ? मैंने इसे बोला कुछ बोल, लेकिन इसे हिंट मांगता है ये बंदा, धोखा देके भाग गई। ओह शिट, तभी शायद ये मायूस है, इसका दिन रंगीन हो जाएगा, कल होगा मेरा रंगीन रंगीन। ये रिएक्शन ही तो चाहिए, इसे बार बार रिपीट करके डालो। हेलो हेलो जानू, तब तक तू बता दे इधर आजा कोपचे में। मैं ऐसे नहीं चलता, मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे ठीक है ना, गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हो गया, जिनकी है उनको सलाह तो दे दे कम से कम। क्या सलाह दूं उनको, कुछ भी दे दे यार, क्या दिक्कत क्या है? बनाया मत करो, पैसे जाएंगे और क्या। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, इसकी तो है। हाँ आप बोल, ये नहीं पता कहाँ है, यहाँ अंदर है, अंदर ही है, अंदर है। अबे निकल, निकल रही है कि नहीं, जो यहाँ होगी फिर। रुक तेरी गर्लफ्रेंड देख ना, यहाँ भी नहीं है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। लड़के बड़े परेशान है भाई, ये बंद करो ये वैलेंटाइन वैलेंटाइन। यार यहाँ पे एक चिंपांजी हुआ करता था कभी, बंदर वो पेड़ पे ना लटक के मर गया, पूरे भैंस की आंख। सही में तुम्हारी कसम, हाय दैया, वैलेंटाइन नहीं मिली उसे अपनी, उसी सेटिंग मर गई, मर गई। हाँ इधर ही दफनाई है वो, बोरी 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 लेडी, अरे भैंस की आंख। ओ भाई बंदर के ऐसे शौक थे, मुझे ही नहीं पता था। उसकी रस्सी बहुत बड़ी थी, बंदर बड़ा नहीं था। कौन सी रस्सी? बंदर के पास तो तीन तीन रस्सियां होती है वैसे, मैंने सुना एक तो सबसे बड़ी रस्सी यो पीछे यो। दूसरी रस्सी कहाँ होती है? आप ही बता दो कुछ। हाँ कोई कुछ कहने नहीं चाहता, चक्कर क्या है? अभी हम दोस्त अलग अलग हो चुके हैं और अक्सर मैं यहाँ से गुजरता हूँ, तो ये मैं दिखाना चाहता था आपको। फोकस, ओके हो गया। वो जो लड़की अभी आपने देखी, मैं काफी बार उस रोड से गुजरा हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि
क्या आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है उस लड़की के साथ, कमेंट्स में लिख दो। क्या उसकी टांग टूटी है या फिर वो एलियन हो सकती है या फिर वो ऐसे करके खड़ी है, मुझे बताओ। और एक्चुअली मैं ये सब ज्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ फोर्स करके। शेयर करो यार तुम लोग मेरी वीडियोस को, आप देख ही रहे होगे मैं मेहनत करता हूँ काफ़ी वीडियोस में यार, जस्टिफाइड होना चाहिए ना, इसलिए शेयर करो वीडियोस को ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेट कर पाऊँ। मतलब ज़रूरी है मेरे लिए, ज़रूरी है, मैं तभी सर्वाइव कर पाऊँगा इस इकोसिस्टम में। तो सब्सक्राइब करो और करवाओ शेयर करके, और लाइक तो कर ही जाओ। बाय।